जिंदगी की जंग हार गए फराज खान, नहीं रहे सलमान के दोस्त और रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी की को-स्टार फराज खान। पूजा भट्ट ने उनके निधन की दी जानकारी। एक्टर फराज खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पूजा भट्ट ने आज ट्वीट कर जानकारी दी कि उनका निधन हो गया। उन्होंने लिखा, भारी मन से मैं इस खबर को ब्रेक कर रही हूं कि फराज खान, मुझे विश्वास है उन्होंने हम सबको एक बेहतर जगह के लिए छोड़ दिया है। आपकी मदद और शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार व्यक्त करती हूं, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। कृपया उनके परिवार को अपने विचारों और प्रार्थनाओं में रखें। जो शून्य वो पीछे छोड़कर गए हैं उसे भरना असंभव होगा। पिछले कुछ दिनों से उनके बीमार होने की खबरें चर्चा में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फराज का इलाज बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा था। उनको खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन की समस्या करीब एक साल से थी। उन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका परिवार उनके इलाज के लिए फंड्स जुटा रहा था। पूजा भट्ट ने भी फराज खान के लिए चंदा जुटाने की लोगों से अपील की थी। सुपरस्टार सलमान खान ने दरियादिली का उदाहरण पेश करते हुए फराज की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि सलमान खान ने फराज के मेडिकल बिल का भुगतान कर दिया है। सलमान और फराज खान के बीच एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन था। कहा जाता है कि फराज खान की बीमारी की वजह से सलमान स्टार बने थे। सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म बीवी हो तो वैसी में छोटा सा रोल निभा कर की थी, लेकिन इस फिल्म के बाद आई फिल्म मैंने प्यार किया ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें स्टार बनाने के पीछे स्वर्गीय फराज खान का हाथ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में सलमान के पहले प्रेम का रोल एक्टर फराज खान को ऑफर हुआ था। दैनिक भास्कर .com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सूरज बड़जात्या ने फिल्म में प्रेम के किरदार के लिए कई लोगों का ऑडिशन लिया था। इसमें बिंदु दारा सिंह, दीपक तिजोरी, पीयूष मिश्रा, फराज खान जैसे एक्टर्स भी शामिल थे। आखिरकार बड़जात्या ने फिल्म में प्रेम के रोल के लिए फराज खान को फाइनल किया था। फराज ने फिल्म साइन भी कर दी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले वो बीमार पड़ गए। इस हालत में नहीं थे कि शूटिंग कर सके। तभी किसी ने उन्हें सलीम खान के बेटे सलमान खान का नाम बताया, जो उस वक्त फिल्मों में काम की तलाश कर रहे थे। उन्होंने सलमान से मुलाकात की और प्रेम के रोल के लिए उनका ऑडिशन लिया। बता दें कि सलमान के साथ मोनिश बहल ने भी इस फिल्म का ऑडिशन दिया था। आखिरकार सूरज बड़जात्या ने दोनों को फाइनल कर दिया और ऐसे सलमान खान को ब्रेक मिला था। आज फराज खान हमारे बीच नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को हिम्मत दे।